इसमें शामिल कर देंगे, करेंगे इसको लाइट ब्राउन या हाथ से हमने इस तरीके से कीमा बनाया। इसके साथ मीडियम फ्लेम 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से हम शामिल कर देंगे। इस तरीके से कटी हुई शामिल यहाँ कढ़ाई बने हैं, इस तरीके से डंठल से डंठल के साथ कटी हुई लीमू इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड आरआरसी। बकरा ईद की रेसिपियों का सिलसिला जारी है, हम आप तक इजी और आसान रेसिपियां पहुंचा रहे हैं। बकरा ईद पे आप कीमा कढ़ाई किस तरीके से बना सकते हैं, मोटा कीमा कूटा हुआ हाथ से मोटा कीमा कूटा हुआ मैंने ले लिया 1/2 kg 500 ग्राम। इसकी कढ़ाई की रेसिपी देने लगा हूँ, आसान अल्फाज में इजी तरीके से बताने लगा हूँ, तवज्जो से देखिएगा। कीमा कढ़ाई तैयार करने के लिए इसके साथ का पैन ले लिया, फ्लेम को ऑन कर दिया, 1/2 कप चाय वाला कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया, ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ दिया। ऑयल गर्म हो गया, आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे साइज का एक प्याज था उसको चॉप कर लिया, इसमें शामिल कर देंगे और हम इसको मीडियम फ्लेम पे 1 से 1.5 मिनट हल्का सा फ्राई करेंगे, इसको लाइट ब्राउन या गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, ठीक हो गया। इस टाइम पे आके लहसुन अदरक का पेस्ट 1 और 2 टेबल स्पून शामिल कर देंगे और साथ में हम इसके अंदर कीमा शामिल कर देंगे जो मोटा कूटा हुआ था, हाथ से हमने इस तरीके से कीमा बनाया बीफ कीमा और इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर फ्राई करेंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट ताकि अपना कीमा कलर चेंज कर ले, मीडियम फ्लेम रहेगा, उसके बाद आपसे मिलेंगे। कीमा अच्छे तरीके से हमने इसको फ्राई कर लिया 5 से 6 मिनट। इस टाइम पे आके ऊपर से कवर लगा देंगे, फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे, प्याज और कीमे का अपना जो पानी वो छोड़ेगा उसी के अंदर हम इसको कुक करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे 12 मिनट तक। 12 मिनट के बाद कवर को उठाने लगे हैं, सुभान अल्लाह बहुत प्यारी खुशबू अभी से आने लगी है। कीमे ने अपना पानी छोड़ा, प्याज का पानी था, लहसुन अदरक के अंदर हमने इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से इसको ढांप के पका लिया 12 मिनट। इस टाइम पे आके अब आपने क्या करना है, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया शामिल कर देंगे, रेड चिल्ली 1 टीस्पून भर के या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर देंगे, कुटी हुई मिर्च 1/2 टीस्पून शामिल कर देंगे, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून शामिल कर देंगे, नमक अभी नहीं डालेंगे। इन मसालों के साथ मीडियम फ्लेम कर देंगे, 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे, 2 से 3 मिनट के बाद फिर आएंगे। इस टाइम पे आके 2 टमाटर थे छोटे साइज़ के, हमने उसका पेस्ट तैयार कर लिया, ये शामिल कर देंगे, फ्लेम मीडियम रहेगा, मीडियम फ्लेम पे हम टमाटरों का पानी पुश करेंगे और इसको इस तरीके से हिलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं टमाटरों का पानी पुश होते ही ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया कढ़ाई ने। इस टाइम पे आके दम वाला फ्लेम कर देंगे, 1/2 कप हमारे पास दही का था जो हमने अच्छे तरीके से फेंट लिया, शामिल कर देंगे दही को इस तरीके से और दम वाले फ्लेम पे इसको हम 2 से 3 मिनट कुक करेंगे ताकि दही फटे ना, उसके बाद मीडियम फ्लेम करके इसका दही का पानी भी खुश कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे दही का पानी खुश कर लिया, फ्लेम को हाई कर देंगे। इस टाइम पे हाई करके 1/2 लीमू स्लाइस में कटा हुआ शामिल कर देंगे, 2 सब्ज़ मिर्चें इस तरीके से कटी हुई शामिल कर देंगे। इस टाइम पे आके 1 टीस्पून नमक या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर देंगे और गरम मसाला 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। फ्लेम हाई रहेगा, ये बात ध्यान में रहे, और इसको हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट पकाएंगे ताकि थोड़ा सा मज़ीद हम इसको पुश कर लें। इस टाइम पे आके कसूरी मेथी 1/2 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर दें। काली मिर्चें मोटी कुटी हुई, ब्लैक पेपर मोटा कुटिया हुआ देखो इस तरीके से शामिल कर दें और इसको मिक्स कर दें। इस टाइम पे आके सुभान अल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। मिक्स करने के बाद आपने इस टाइम पे आके ब्लैक पेपर डालना है, डब्बे हटा दो साइड से कर दो, कोई मसला नहीं है। इसको उठाएं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ कढ़ाई में ले आए इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। फ्लेम को बंद कर देंगे, इसको चूल्हे को यहाँ पे घुमाएंगे इस तरीके से, यहाँ पे एक स्टैंड रखेंगे, इसको यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा इसको इस तरीके से लेवल पे लेके आएंगे। सुभान अल्लाह बहुत प्यारी कढ़ाई तैयार हुई है। ये इस तरीके से डंठल के साथ कटी हुई सब्ज़ मिर्चें इस तरीके से डाल देंगे, लीमू इस तरीके से, कोई मसला नहीं है, सब्ज़ धनिया हल्का सा इस तरीके से। मेरे भाइयों, कीमा कढ़ाई या बकरा ईद पे किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, मेरे मुंह में अभी से पानी आने लग गया है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी
कीमा कढ़ाई की अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, शेयर कर दिया करें, दुआओं में याद रखा करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, इर्द गिर्द लोगों का बहुत सारा ख्याल रखा करें। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।